हिंदू धर्म में माता की आराधना करना विशेष महत्व बताया गया है। साल में हर बार 4 नवरात्रे आती है, 2 गुप्त 2 सत्य। इस बार भी 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, जिसके अंदर उज्जैन शहर के तमाम ऐसे मंदिर हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध है, वहाँ पे भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी। चैत्र नवरात्रि में अलग अलग 9 दिन पूजा का अलग अलग देवी का महत्व बताया गया है। हर दिन अगर देवी की पूजा की जाए तो माता रानी प्रसन्न होकर मनोवांछित फल की प्राप्ति करती है। साथ ही जिन लोगों को मनचाहा जीवन साथी की तलाश है, वो भी इस नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान करते हैं तो माता उनको मनचाहा जीवन साथी देती है। आइए पंडित जी से जानते हैं मनचाहा जीवन साथी पाने के उपाय। देही में सौभाग्य आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही यशो देही द्विशो देही। वर्ष भर में 4 नवरात्रे आते हैं देवी की आराधना के लिए, जिसमें 2 उजागर हैं और 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं। इसमें चैत्र मास की जो नवरात्रि है उसका विशेष फल है, इसमें माता रानी की आराधना का विशेष महत्व है। इसमें ज़्यादा ढोल ढमाका आडंबर नहीं होता, लेकिन आराधना तंत्र मंत्र ये सब सिद्ध करने के लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ समय चैत्र मास की नवरात्रे में है। इसमें मन चाहा जीवन साथी पाने के कुछ उपाय ऐसे अचूक हैं इस नवरात्रे में, यदि वो कर लिए जाए तो शीघ्र ही विवाह एवं मन चाहा विवाह के योग बन जाते हैं। माता के नवरात्रे में अष्टमी तिथि के दिन यदि कोई भी व्यक्ति जो मन चाहा विवाह करना चाहता है, वो ओम श्री वर प्रदाय श्रीम नमः इस मंत्र का उच्चारण करता है, 108 स्फटिक की माला से, यानी कि स्फटिक की माला से 108 बार इस मंत्र को यदि वह जापता है तो उसके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। इस प्रकार से पुराणों में वर्णित है, देवी भागवत में इस मंत्र का उल्लेख मिलता है। और देही में सौभाग्य आरोग्यम, देही में परमम सुखम, रूपम देही जयम देही भाग्यो भाग्य देही में सौभाग्य देही में इस मंत्र के भी यदि वह जाप करता है, माता रानी से प्रार्थना करता है, तो उसको मन चाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। जो जीवन साथी है उसकी मंगल कामना के लिए माता रानी से नवरात्रे में प्रार्थना करें, और भगवती पराम्बा आदि शक्ति जो गौरी शंकर प्रिया हैं उनकी आराधना करें, गौरी शंकर व्रत का धारण करें, जिससे कि शीघ्र विवाह होता है। जय श्री कृष्ण।